Example 2.9, the resistance R is equal to V upon I, where V is equal to 100. V is equal to 100 plus minus 5 volt, and I is equal to 10 plus minus 0.2 ampere. Find the percentage error in R. तो R के लिए आपको फॉर्मूला दे रखा है V upon I. इस फॉर्मूले से अब हम अगर परसेंटेज एरर का फॉर्मूला लिखें तो वो हमें मिलेगा डेल्टा आर अपॉन आर इनटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन वी इनटू 100 प्लस डेल्टा आई अपॉन आई इनटू 100. और यहां पे हम अगर वैल्यूज पुट करें तो क्या वैल्यू हमें मिलेगी, दैट डेल्टा आर अपॉन आर इनटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा वी, V के अंदर एरर हमारे पास कितना है 5 का, तो 5 upon 100 into 100 plus delta I के लिए लिखें तो 0.2 upon 10 into 100. तो यहां पे देखा जाए तो दोनों ही के लिए 100 से 100 जब वो कैंसिल आउट हो जाएगा, एक 0 से एक 0 कैंसिल आउट होके एक पॉइंट से एक 0 यहां पे कैंसिल आउट हो जाएगी, तो यहां पे सिर्फ हमारे पास बचेगा 5 और इधर हमारे पास बचेगा सिर्फ 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 plus 2, that is delta R by R into 100, इसका मतलब होता है percentage error in R, तो answer will be 7%.